नमस्कार प्रिय साथियों, गंगाराम राशि रत्न केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गंगाराम आज पुखराज रत्न के विषय में चर्चा करेंगे और आज की वीडियो में आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही शानदार नेचुरल श्रीलंका का एक पुखराज जो आपके सामने स्क्रीन पर है। लश्टर बहुत ज़्यादा है, चमक बहुत ज़्यादा है, हार्डनेस बहुत अच्छी है, इंडियन गवर्नमेंट लैब से सर्टिफाइड है, नेचुरल येलो सफायर, वेरीफाई ऑफ कोरोंडम, नो इंडिकेशन ऑफ हीटिंग। पुखराज के जो गुण होने चाहिए वह सारे गुण इस रत्न के अंदर है। 4.60 कैरेट पक्की रत्ती 5.25 बनती है। इसका प्राइस मैं आपको बताऊंगा। पुखराज पहनने की विधि पर भी बात करेंगे, किस मेटल में पुखराज पहनना चाहिए। आज की वीडियो में पुखराज रत्न के विषय में आपको तमाम बातें बताने का प्रयास करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो चलिए साथियों विषय में आगे बढ़ते हैं। पुखराज रत्न मेष और कर्क दो राशि एवं लगन वाले जातकों का भाग्य रत्न होता है। आपको 100% पुखराज पहनने से कॉम्पिडेंट लेवल आपका बढ़ेगा, सद्गुण आपके अंदर बढ़ेंगे, दुष्प्रवृत्तियां बुरी आदतें आपकी समाप्त होंगी। साथ ही साथ में आप सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं या आप व्यापार करते हैं, आपके कैरियर में बहुत बढ़िया जैक आपको पुखराज रत्न से मिलेगा। धनु और मीन राशि वाले जातकों का पुखराज राशि रत्न होता है। धनु राशि से पहले और चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति होते हैं, मीन राशि से पहले और दसवें भाव के। आपको भी निसंदेह पुखराज रत्न धारण कर लेना चाहिए। बाकी सिंह और वृश्चिक वाले भी पुखराज पहन सकते हैं, लेकिन ज्योतिषी की सलाह पर। मिथुन और कन्या लगन एवं राशि वालों के लिए बृहस्पति मारक होते हैं, डिजास्टर होते हैं। तो पुखराज रत्न पहनने से आपके जीवन में तनाव और हानि बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको पुखराज नहीं पहनना चाहिए। प्रिय साथियों, यह जो रत्न आपके सामने स्क्रीन पर है इसकी कीमत है 5,000 रुपये पर कैरेट, 22,000 प्लस का यह पीस है। बहुत शानदार लस्टर इसमें है। पुखराज रत्न चांदी, अष्टधातु, पंचधातु और सोने की अंगूठी में पहना जा सकता है। अब बात करते हैं इसके पहनने की विधि पर। बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे बाद तक बृहस्पति की होरा में दूध, दही, घी, शहद, बूरा, इन 5 चीज़ों को मिलाकर के पंचामृत बनाएं। उसके बाद में रत्न को पंचामृत में डाल के आपको मंत्र पढ़ना है, ओम बम बृहस्पते नमः। यह मंत्र का एक माला जाप करके आप पुखराज रत्न को तर्जनी उंगली में धारण करें। रत्न धारण करने के उपरांत आप पीला और मीठा भोजन बना करके, चावल, खिचड़ी, जो भी खीर बना करके पक्षियों में, जीव जंतुओं में अवश्य उसका वितरित करें। उसको कुत्तों को तेल के पराठे, ब्रेड या बिस्किट खिलाएं और भगवान नारायण के मंदिर में अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार दान करें या बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपका रत्न शक्तिशाली तरीके से एक्टिव होगा और अपना काम करेगा, आपको शुभ रहेगा। मैं कामना करता हूं यह पुखराज रत्न जो मैंने आपको दिखाया आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।